आप सभी, और मैं आपके सामने लेके आया हूँ एक मेरी अपनी रॉयल एनफील्ड और दूसरी जावा। कुछ फीचर्स की बात करेंगे और कुछ कॉन्वर्सेट करेंगे कि दोनों में क्या क्वालिटीज है। पहले जावा पे जाते हैं क्या? कौन सी पसंद है, जावा या फिर ये? चलो बात करते हैं। तो ये है बहुत अच्छी चीज़, इसका नाम जानते हैं आप क्या? जावा। और मेरी है बॉस। और ये है एक्चुअली, मैं ये भी परचेज दी थी, बट ताऊ जी का गिफ्ट है। और रहने से भाई भाई भी चलाते रहते हैं और फीचर्स काफ़ी अच्छी हैं। तो मैं बात कहने वाला था आप सभी से कि दोनों अपनी जगह अच्छी है, और जो बॉडी फिगर पे जो अच्छा लगे वो बाइक को उठा लेनी चाहिए। और मुझे ये दोनों कलर पसंद है, दोनों को चलाने में काफ़ी अच्छा लगता है। और ये मेरी है माइलो, इसका नाम मैंने माइलो रखा है। और इसका नाम कुछ वैसे सोचा नहीं है ज़्यादा, अभी मैंने इसको चलाया नहीं है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग रही मेरे साथ में, काफ़ी साथ दी इसको मैंने। क्या जाएगा, हाफ ऑफ द ईयर, एक साल तक मैंने चला लिया, ठीक है ना। और ये है, इसको मैंने 6 महीने तक चलाया, तब भी इसका नामकरण नहीं किया। भाई अभी इसको पैदा होने देते हैं, एक साल इसका हो लेने देते हैं कि कैसा रिस्पांस पाते हैं। लेकिन है ना कि दोनों के दोनों अपनी जगह अच्छी है। और आप जब कभी शोरूम विजिट कर रहे हो ना, तो ऑप्शंस मत बनाओ, जो आपको पसंद है ना उस चीज़ पे जाओ, और ज़्यादा विचार मत करो, क्योंकि अपनी पर्सनालिटी पे विचार नहीं करते हैं। जिस हिसाब से देखा जाए तो ये अपनी जगह है और ये अपनी जगह है। जो आपके बॉडी फिगर पे जो आपको मस्त सा लगे, और मौसम देखेंगे आप, मौसम की भी बात कर ली जाए भाई। ये है, मैं आया हूँ यहाँ पर, ये लोकेशन बहुत 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 हिडन है। और दोनों को कैसे लेके लाया, भाई को फ़ोन किया, बोलते हैं भाई चलो आज मुझे नया कंटेंट बनाना है, और भाई ने मेरा पूरा साथ दिया। दोनों गाड़ी को निकाला, दोनों गाड़ी पे हम बैठे, मैंने वो अपनी पे बैठा, मैं अपनी पे बैठा, और चलकर मैं फिर यहाँ पे आया। और थोड़ा सा चाह रहा था कि कुछ नया कंटेंट आपके सामने ला कर रखूँ, कि मज़ा आए ना कुछ चीज़ों में, कि हमेशा ये यहाँ वहाँ जाता। और मैं नया हूँ थोड़ा सा इस फील्ड में, यूट्यूब की फील्ड में, कि ब्लॉगिंग कैसे करना है वो मुझे उतना अच्छे से नहीं आता। बट इस पांचवा है, तो इसमें मैं अच्छे से सीख गया हूँ कि हाउ टू रिएक्ट, मतलब कैसे अपने आप को रखे चीज़ों के लिए, कि हाउ यू प्रेजेंट योर सेल्फ, स्टेज फियर, राइट, एज वी टॉक अबाउट द स्टेज फियर, कि आप कैसे कॉन्वर्सेट करते हैं कैमरा के सामने, कि आप जब चीज़ों को नहीं बताएंगे लोगों को, तो समझेंगे कैसे कि ये कर क्या रहा है, बोल क्या रहा है। तो मैंने एक ये चूज़ किया है, इसके ऊपर मैं बनाऊंगा। सबसे पहले इसके ऊपर अभी इनकम्प्लीट है चीज़ है, एक साल हो गया बॉस, और काफ़ी मस्त लगती है मुझे रॉयल एनफील्ड। आई रियली प्रेज यू, हाय एंड जावा, आई डू प्रेज यू टू हाय। सो काफ़ी अच्छा है, तो मैं अभी चलता हूँ लेके आपको क्लोज व्यू में माइलो। बाइक का नाम माइलो है मेरे, निक नेम देना चाहिए, क्योंकि जब आप किसी से प्यार नहीं करते तो निक नेम ब्रांड क्यों देगा। भाई मेरी माइलो है, इसको मैं अच्छे से रखूँगा, साफ रखूँगा, क्लीन रखूँगा, और रखना पड़ता है, जैसे फैमिली की केयर करते हैं ना, वैसे इन दोनों की करें, बाइक्स को केयर करना जरूरी है, और तभी तो आप आगे चलेंगे, तब आप युगो युगो तक कह जाएंगे भाई कि हाँ ये गाड़ी मैंने चलाई थी, ये इतना मेरा साथ थी। वो लोग चलाते हैं गाड़ियाँ, वो लोग अपने साथ में लेके जाते हैं गाड़ियाँ, जिनको गाड़ियों से प्यार होता है। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा स्प्लेंडर से इतना प्यार अभी तक रखा हुआ है, भाई जानते हैं क्यों? प्यार है, मोहब्बत, तो अपनी गाड़ियों से प्यार करो। तो मैं प्यार करता हूँ इस मक्खन से भी और इस चीज़ से भी। तो ब्रेड में मक्खन और चीज़ दोनों ज़रूरी होता है मेरे को, कोई भी चीज़ मिक्स करता हूँ तो खाने के टाइम पे।
और वैसे ये दोनों मेरी बहुत अच्छी है। देखो भाई, एक है ये मिलिट्री कलर और एक ये है भाई माइल। तो जो पसंद आती है आपको उठा लेना चाहिए और मस्ती से उठाओ, शोरूम जाकर अपना कन्वीनियंट होना चाहिए। मैं तो हूँ, आपको कई चीज़ें बताऊँगा कि भाई कैसा क्या है। स्पेसिफिकेशन के ज़्यादा मैं बारे बातें नहीं करूँगा, क्योंकि अपन में कभी भी एक ऐसा नहीं आया कि मैं एक मोटो वीलॉगिंग करूँ और फीचर्स में जाऊँ। मैं बात करूँगा उस चीज़ों में कि क्या सही है क्या गलत है ना। तो ये बहुत अच्छी है, मुझे बहुत अच्छा लगा इसका फीचर। चलाने में बहुत मज़ा आता है, कभी कभी चलाता हूँ कभी कभी नहीं। ये 2000 चलाई है मैंने और इसको मैंने 8000 चला, पता है। इस पर मैंने ना इसको भी नया होने, मैंने एक्चुअली में क्या किया कि इसको मैंने लगा के रखा है, इसको एक मीटर कार्ड होता है, इसको मैंने लगा के रखा हुआ है ताकि हाँ लोगों को लगे कि हाँ नहीं है भाई अभी भी नहीं है भाई अभी भी चलाता है। और सही है, अपना अपना जगह की इस तरीके से केयर करते हैं। तो आप दोनों चलाना, जावा हो या रॉयल एनफील्ड, और मस्ती में रहना, चलाते चलाते झूमना, मज़े करना। और वी बिलोंग टू अर्थ, सो एंड रोड्स का मजा ले, एंड ऑलवेज वियर हेलमेट व्हाइल ड्राइविंग, बी सेफ। मोटो वी लॉगिंग इज ऑल्सो नेसेसरी एंड बीइंग सेफ इज ऑल्सो नेसेसरी, दोनों चीज़ें नेसेसरी हैं। चलाइए, दोनों अच्छी हैं, आपको जो मन है वो पसंद उठा लीजिए आप जाके। और मैं बस थोड़ा सा आया था, दोनों में बात करूँ, दोनों को लेके आऊँ, कुछ नया कंटेंट लेके लाऊँ, फीचर्स के बारे में नहीं हाँ, लेकिन बताऊँ कि लोगों को एक बाइक्स लेने से पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होता है, अपनी पर्सनालिटी को बनाना ज़रूरी होता है कि आप उस बाइक पे बैठने के बाद आप अच्छे लगो। और अच्छा लगना बहुत ज़्यादा नेसेसरी चीज़ होता है भाई, कि आप कोई भी ले लियो हो, कुछ भी ले लियो हो, तो ए भाई भाई हाँ भाई ठीक लग रहा है, ठीक लग रहा है नहीं। तो अपन यंगस्टर लोग क्या सोचते हैं कि भाई ले तो भाई अपने ऊपर अच्छा लगना चाहिए ना। एंड इट्स ऑल अबाउट द मनी ऑल्सो एंड इट्स ऑल अबाउट द बजट ऑल्सो, एंड दिस इज माई मनी एंड दिस इज माई बजट, दोनों को लेके चलता हूँ मैं। एंड नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बस कुछ और नई बातें बताऊँगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, and thank you for giving me such a beautiful attention. Thank you all, sorry, हाँ काफ़ी फ्लो फ्लो में ज़्यादा बोलने लगता हूँ मैं। एंड दिस इज द व्यू, एंड थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू फैमिली, ब्लैक बेयर फिर से आएगा, बाय बाय।